गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2023। आइए देखते हैं कि ओवर नाइट में डिफरेंट करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है, एंड यहां से हम कुछ क्लू मिलता है क्या कि कोई करेंसी पेयर्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी का एक प्रयास करते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 103.30 पे। जैसे कि कल हमने आइडेंटिफाई किया था, ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। डॉलर इंडेक्स क्या यहाँ पे पॉज लेके थोड़ा टाइम पास करने के बाद फिर ऊपर कंटिन्यू करता है या यहाँ से फिर साउथवर्ड मोमेंटम चालू करते हैं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। डेट वॉज आवर यस्टरडेज एनालिसिस। कल क्या हुआ? एक डोजी कैंडल हुआ। व्हाट इज मीन बाई डोजी कैंडल, व्हाट इट सिग्निफाइज? डोजी कैंडल हैज नथिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन इट्स स्ट्रक्चर। तो क्या है ये डोजी? इज ए पॉज कैंडल। उसके बाद ऑन ब्रेक ऑफ द अपर एंड इट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शंस, ऑन ब्रेक बिलो द लोअर एंड सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट टेक्स प्लेस। That is what the doji candle says. तो यहाँ पे आपका हमें देखना पड़ेगा कि क्या डॉलर इंडेक्स ये आपका जो लेवल है 103.80 से 104.00 इस एरिया में जो पॉज कैंडल बनाया है उसके बाद क्या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है या डाउनवर्ड करेक्शंस होता है, इसका इंतजार रहेगा। अभी अगर हम देखते हैं वीकली पे भी वही जो रेजिस्टेंस लेवल पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है। नथिंग स्पेसिफिक ऑन मंथली कैंडल्स। डॉलर रुपी में कल आपका एक कंटिन्यूएशन देखा है, लेकिन ज्यादा कुछ तेजी था नहीं। एंड एज पर आवर एनालिसिस, हम लोग जो एनालिसिस कल कर रहे थे वहां पे एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। प्लस ये ऊपर का एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन, इट्स ए जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एरियाज। तो हमें इंतजार है इस पार्टिकुलर मोमेंट में डॉलर रुपी इस पार्टिकुलर लोकेशन पे, इस पार्टिकुलर पोजिशन पे डॉलर रुपी क्या बिहेव करता है। हम यहाँ पे कोई डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देना नहीं चाहते कि ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, साइडवाइज रहेगा। हमें सिर्फ प्राइस एक्शंस को देखना है, मॉनिटर करना है, क्या कहता है प्राइस एक्शंस, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या कंसोलिडेट करेगा, ये हमें देखना है प्राइस कैसे क्या बोलता है। सो आज RBI पॉलिसी है 10 बजे, उसके बाद फिर हमें देखना है कि इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है या नहीं। दैट इज द मेन ऑब्जर्वेशन दैट वी नीड टू डू। GBP डॉलर कल एक डोजी कैंडल एट द बॉटम बनाया हुआ है, अभी है 1.2050। सो डेली में अच्छा खासा सेल ऑफ आया है फ्रॉम 1.24-1.2450 एरिया से। ऑलमोस्ट 4 बिगी का एक डाउनवर्ड साउथवर्ड मूव हुआ है। अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ये कंटिन्यू करेगा, कंसोलिडेट करेगा या रिवर्स करेगा। फर्स्ट इंडिकेशन RSI अभी आपका 40 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। अभी तक कंफर्मेशंस नहीं आया। थोड़ा बहुत वीकली पे नजर डाल देते हैं। वीकली में ये 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। आउटसाइड इनसाइड कैंडल पैटर्न के हिसाब से ये 1.1850-1.19 के तरफ आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा वही हमें देखना है। कैसे होगा? ये डोजी कैंडल है, इट्स अ पॉज कैंडल आफ्टर इट्स सेल्फ, इसके लो के नीचे कंटिन्यूशन, हाई के ऊपर थोड़ा सा पुल बैक। दैट इज व्हाट द डोजी कैंडल सेज। GBP INR यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आपका RSI टर्म्स में ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 40।
हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा, दो दिन में अच्छा खासा सेल ऑफ आया, तीसरे दिन चौथे दिन डोजी कैंडल्स, अभी इट्स अ पॉज कैंडल, पॉज कैंडल के लो के नीचे कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द प्राइस एक्शन सेज। सो हमें इंतजार रहेगा। यूरो डॉलर पे आपका अच्छा खासा सेल ऑफ था फ्रॉम द टॉप, अभी है 1.0728, कल अनदर डोजी कैंडल, सेम लॉजिक, बिलो द लो कंटिन्यूएशन इन द सेल ऑफ, अबोव द हाई थोड़ा सा पुल बैक ऑन द अपवर्ड डायरेक्शंस। यूरो INR पे भी एक डोजी कैंडल देखा गया है, अभी भी देखो इसमें देखने वाला बात, हम यूरो INR पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ के लिए देख रहे थे, यहाँ पे हमारा ब्लू लाइन जो था एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, इसके ब्रेक के ब्रेक बिलो दिस सपोर्ट लाइन हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ टुवर्ड्स 86.90 87.00 एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन अभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, स्ट्रॉन्ग बीआर कैंडल नहीं आया, समथिंग लाइक आपका दिस ये वाला कैंडल की तरह स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकिंग बिलो द सपोर्ट लाइन, इस टाइप का कोई कैंडल हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। सो और इंतजार रहेगा। डॉलर येन 130.95, कल एक डोजी कल नहीं आपका 6th of February के एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, उसके ऊपर कंटिन्यूएशन दिया नहीं, रदर नीचे आ चुका है, कल एक अच्छा खासा करेक्शंस हमने डॉलर येन पे देखा है। इसका बाद इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मिलियन डॉलर क्वेश्चन इसीलिए है, फ्रॉम हियर वी हैव थ्री प्रोबेबिलिटीज, क्या है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक कंसोलिडेशन, साइडवाइज कंसोलिडेशन, दीज आर द ओनली थ्री प्रोबेबिलिटीज दैट वी हैव इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दैट बीइंग द केस, यहां पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी का आइडेंटिफाई करने का एक प्रयास है। सो यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, और थोड़ा ये करेक्शन या और थोड़ा करेक्शन के बाद अगर ये सपोर्ट लेके स्विंग हाई को तोड़ता है, क्या ये होगा? अगर ये होता है तो डॉलर येन और भी ऊपर जाने का संभावनाएं होंगे। इन सच ए केस द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 1.34 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 1.3775 से 1.38 की तरफ। क्या ये जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने का, क्या ये वैसा बिहेव करेगा? ये हमें प्राइस एक्शन से मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी ऐसा है। तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। येन INR पे एक ब्रेकडाउन दिया था 6th of February, क्या ब्रेकडाउन, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके लो के नीचे क्लोज दिया था, लेकिन कंटिन्यूएशन कल देखा नहीं, रदर रिवर्सल था। दैट बीइंग द केस, ये जो ब्रेकडाउन बिलो द सपोर्ट लेवल, ये फंक्शनल ब्रेकडाउन नहीं है, इफिशियंट ब्रेकडाउन नहीं है। सो व्हाट, अभी क्या, अभी यहां पे भी एक एक्सपेक्टेशन है, आज या आने वाले दिनों में 7th of February का, यानी कल का जो बुल कैंडल है उसके लो के नीचे एक अगर बियरिश एंगल्फिंग देता है, समथिंग लाइक दिस, अगर देता है, इन सच ए केस एक फंटास्टिक सेल ऑफ हम देख सकते हैं। अदरवाइज हमें इंतजार रहेगा, प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्या ये और नीचे जाता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, क्या होगा उसको हमें देखना है। अगर हमारे हिसाब से प्राइस एक्शन आज यानी 8th of February या आने वाले दिनों में कल परसों 9th और 10th को इस टाइप का बियरिश एंगल्फिंग देता है या नहीं, डॉलर कैंडी बाउंस बैक किया, मूव्ड हाई ऑफ 1.3475,
still 1.35, 1.3525 is acting as a solid resistance level. That being the case, यहाँ पे थोड़ा सा price actions जो है non-directional हो गया है. Non-directional का मतलब ना मैं ऊपर higher high, higher low बना रहा हूँ, ना मैं lower high, lower low बना रहा हूँ. At this point of time, इसको थोड़ा सा और price actions, गहरा price actions बनाना पड़ेगा. उसके बाद ही देखेंगे कि या नीचे जाता है या ऊपर जाता है. Aussie dollar, Aussie dollar में जैसे कि हमारा discussions था, यहाँ पे दो probable support levels था. एक ये ब्लैक कलर का लाइन, दूसरा वाला ये रेड कलर का लाइन. दीज आर द टू प्रोबेबल सपोर्ट एरियाज. प्राइस क्या किया, पहले वाला लेवल पे ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया. आपका 6th of February में एक डोजी कैंडल बनाया, उसके लो के नीचे कॉन्टिन्यूशन, हाई के ऊपर अपवर्ड मोमेंटम, हाई के ऊपर चला गया है. हमें अभी देखना है कि क्या ये ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाता है. यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी है कि ये बोलिंजर बैंड का जो सेंटर बैंड है, ब्लैक कलर का लाइन, क्या ये इस ब्लैक कलर के लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है, समथिंग लाइक दिस, या नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा. अगर इस टाइप का नेगेटिव कैंडल बनता है एट द सेंटर बैंड, देन ये पहला वाला अगर रेड कैंडल के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ करने का हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है. क्या है, होगा या नहीं होगा, हमें देखना है. डॉलर CNH आपका 6.7758, आपका 3rd of February को ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर दोबारा रेंज के अंदर पे चला आया है. दैट बीइंग द केस, फिर यहाँ पे और थोड़े टाइम के लिए ये रेंज के अंदर में फिर फंस गया CNH. जब तक आपका 6 February का हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, यहाँ पे कोई मोमेंटम हम देख नहीं सकते. अभी CNH वर्सेस डॉलर भी, CNH में रेंज के ब्रेकआउट हो गया, फिर दोबारा विद इन द रेंज आ चुका है. डॉलर रुपए में वो हुआ नहीं है, डेटो कॉपी पेस्ट हुआ नहीं है. सो क्या ये दोबारा इस रेंज के अंदर में आएगा या नहीं, कंसीडरिंग द CNH प्राइस मूवमेंट, हमें देखना पड़ेगा. क्रूड ऑयल, यूके ऑयल, बॉटम लेवल से 79.25 लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक किया 83.70. देखने वाला बात है प्राइस टू सपोर्ट एट 40, RSI 40. सो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे देख और एक देखने वाला चीज है कि इस स्विंग लो को तोड़ा नहीं है, ना तोड़ते हुए एक हायर लो फॉर्मेशन बनाया हुआ है. अभी इंतजार है हायर हाई को तोड़ने का. अगर ये हायर हाई को तोड़ेगा तो एक ट्रेंडेड मूव होगा, एल्स कभी ऊपर कभी नीचे. US 10-year ट्रेजरी 3.658, कल परसों दो दिन एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन देखा गया. अभी व्हाट नेक्स्ट, डेली RSI देखो क्या बोलता है. आप अगर मेरा प्रेजेंटेशन रेगुलरली देखोगे, एक चीख चीख के बोल रहा है कि मैं 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा हूँ एज ऑफ नाउ, कन्फर्मेशन अवेटेड. तो क्या ये RSI 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, हमें देखना होगा. इंतजार रहेगा फ्रेश प्राइस एक्शंस का. अभी के लिए करेंसी डेली एनालिसिस इतना ही. आशा करता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन है आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स. हैव ए नाइस डे. थैंक यू एंड बाय बाय.